हेलो गाइस, मेरा नाम है शान खान। तो चले फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने बनाया है एक पिचकारी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है एक पिचकारी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने बोतल लगा रखी है, इसमें बड़ी बोतल भी लगा के दिखाएंगे हम आपको। तो पहले क्या करते हैं, इसमें फटाफट से पानी भर लेते हैं और इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पानी भरेंगे। तो गाइस देखिए, ये रहा हमारा टैप, इसमें लगाते हैं और पानी को भर लेते हैं। तो थोड़ा सा और भरेंगे, ये बस इतना बहुत है अभी के लिए टेस्टिंग के लिए। तो अब क्या करते हैं, इसको इसमें इस तरीके से लगा के टाइट कर देते हैं। तो गाइस देखिए, ये हो चुका है हमारा कैप टाइट। तो अभी मैं आपको नॉर्मल टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस, ये रहा इसका स्विच और ये रहा इसका पाइप, जो कि हम इसको अगर हम ऐसे करके दबाते हैं, देखिए। तो अब देखिए, देखिए गाइस, और अभी आपको प्रेशर में थोड़ा और तेज़ करके दिखाऊंगा कि इसका प्रेशर कितना हाई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर कोई देरी करते। तो गाइस देखिए, ये पाइप मैंने अपने हाथ में बांध लिया, और देखिए गाइस यहाँ पे पुश बटन है। तो जैसे ही मैं दबाता हूँ, देखिए गाइस इसका प्रेशर देखिए कितना तेज़ है। आप कैमरे के पास देख पा रहे होंगे, कैमरे को यहाँ पे करके दिखा दो भाई थोड़ा सा। तो देखिए गाइस, प्रेशर देखिए कितना तेज़ है। तो पानी ख़त्म हो गया, दोबारा बड़ी बोतल का यूज़ करके दिखाते हैं हम आपको कितना तेज़ इसका प्रेशर है। तो गाइस देखिए, इतनी बड़ी बोतल का यूज़ कर रहे हैं हम। तो इसको क्या करूँगा मैं, सबसे पहले इसको तो हाथ में पकड़ लेते हैं और इसको रख लेंगे हम जेब में, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और गाइस, इससे कोई कपड़ा वपड़ा गीला नहीं होता। तो गाइस देखिए, बोतल को मैंने इसके नीचे छुपा दिया है, और देखिए देखिए गाइस प्रेशर देखिए। और इसको आप अपने कपड़े के अंदर से डाल के निकाल सकते हैं और इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इससे हम पौधों में भी पानी डाल सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और वरना इसका वर्क कर रहा है। आप इसको तार को थोड़ा लंबा करके और अपने इस वाले हाथ में चिपका सकते हैं इस तरीके से, और इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फिर सीख लेते हैं कैसे बना सकते हैं इसको। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने एक बोतल ले लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये छोटी सी बोतल, आप बड़ी बोतल का भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी बड़ी आप पिचकारी बनाना चाहें उतनी बड़ी आप बोतल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये मैंने इसका कैप जो है उसे निकाल लिया है। तो ये कुछ जिस तरीके का दिख रहा है। अब हमें चाहिए एक मोटर। तो देखिए गाइस, ये पंप है मोटर वाला। तो ये एक साइड से पानी इनर करता है और एक साइड से आउट करता है, मतलब एक साइड से इसमें पानी ये खींचता है और दूसरी साइड से फेंकता है, इस साइड से फेंकेगा। तो गाइस अब हमें देखिए क्या करना है, कि जैसे ये हमारा कैप है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कैप है, इसको हमें इस वाले जो इनर पार्ट है जिसमें पानी अंदर जाएगा उस वाले एरिया में लगाना पड़ेगा। तो इसमें हमें छेद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पेंसिल से इसमें मार्क कर लेते हैं कि कहाँ पे हमें होल करना है। तो देखिए गाइस, बीचों बीच हम इसमें होल करेंगे और उसको बाद इसमें लगा देंगे। तो देखिए गाइस, मैंने ये होल कर लिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अब हमें क्या करना है, मोटर को इसमें फिट कर देना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इनर वाले पार्ट जिसमें पानी अंदर जाता है, जिससे उसी पार्ट में इसे लगाएं, आउटर वाले में ना लगाएं वरना दिक्कत करेगा। तो गाइस देखिए, ये हमें कुछ इस तरीके से लगा के दबा देना है। उसके बाद मैं इसमें ग्लूगन से इसे अच्छे से चिपका दूंगा। तो देखिए गाइस, पहले मैंने इसमें लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें अच्छे से ग्लूगन लगा के इसको अच्छे से चिपका दूंगा, ताकि एकदम सील हो जाए, पानी इसमें से बाहर ना निकले। और आप फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं, और दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, पहले मैं बोतल लगा के दिखा दे रहा हूँ कि ये किस तरीके से लगेगी। तो ये देखिए, बोतल लगने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो देखिए गाइस, नीचे मैंने बोतल लगा दिया और ऊपर हमारी मोटर लगी हुई है। तो फटाफट से बोतल को निकालते हैं और इसमें फेविक्विक या ग्लूगन जैसे जो भी आप लगाना चाहें उसे चिपका सकते हैं। तो मैं फटाफट से ग्लूगन लगा के इसको चिपका देता हूँ। तो गाइस देखिए, इसमें मैंने ग्लूगन लगा दिया अच्छे से, और अब इसमें पानी नहीं निकलेगा, कहीं से भी लीक नहीं करेगी। तो गाइस अब देखिए, ये मैंने ली है पाइप। ये जो मिस्त्री, जो हमारे लेबर वाले मिस्त्री जो होते हैं, वो जो पाइप यूज़ करते हैं लेबलिंग के लिए, ये वही पाइप है, मैंने वही पाइप ली है। ये 10 रुपये मीटर मिल जाती है। तो गाइस देखिए, अब हमें क्या करना है, और ये पाइप बिल्कुल इसी के नाप की होती है, आप इसमें ईजिली इसमें लगा सकते हैं, कोई दूसरी चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए गाइस, एकदम आसानी से ये फिट हो गई है, और देखिए मैंने इसमें इसे लगा दिया है। अब हमें इसमें ना फेविक्विक कुछ लगाने की जरूरत नहीं, बस ईजिली ये फिट हो गई है। और दूसरी साइड देखिए, ये थोड़ी मोटी साइड है, हमें इसको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा। आप इसे गर्म करके और इसे पतला कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, इसे हमें बस थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा और इसमें हमारा काम हो जाएगा।
तो गाइस देखिए अब हमें क्या करना है, इसकी वायरिंग। तो देखिए गाइस इसमें मैंने वायर्स ले लिए हैं और आप थोड़े लंबे वायर लीजिए ताकि आपके हाथों तक आके आप उसे पुश कर सके बटन को। तो देखिए गाइस इसमें मैंने ये दोनों वायर्स को लगा दिया, एक वायर को काट लिया क्योंकि हमें एक पुश बटन भी चाहिए। तो देखिए गाइस ये रहा हमारा पुश बटन, आप छोटा या बड़ा कोई सा भी पुश बटन यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये वाला पुश बटन यूज़ करा है। और कनेक्शन बिल्कुल इजी है, आपको मोटर को सीधा बस हमारी बैटरी से कनेक्ट कर देना है और एक स्विच लगा देना है। इसके सर्किट डायग्राम मैंने बताया नहीं है क्योंकि कनेक्शन ही इतनी ईजी है, आप समझ गए होंगे। तो गाइस देखिए इसमें मैंने लगा दिया है, अब हमें चाहिए बैटरी, फटाफट से बैटरी से इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम। तो गाइस देखिए ये है बैटरी, मैं 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मोटर भी 12 वोल्ट से ही वर्क करती है। तो फटाफट से बैटरी को लगाते हैं और चेक करके देखते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो देखिए पॉजिटिव वाले वायर को हमें पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना है और नेगेटिव वाले वायर को नेगेटिव में कनेक्ट कर देना है और कनेक्शंस हो गए हमारे। तो देखिए गाइस ये वाला हमारा नेगेटिव है और इसको मैं इसमें लगा देता हूँ सबसे पहले, और मोटर को चेक करके देखते हैं कि मोटर चल रही है या नहीं चल रही है। तो गाइज़ मोटर चल रही है, बिल्कुल अच्छे से मोटर वर्क कर रही है। अब हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको इसमें पैक कर देते हैं। तो गाइज़ देखिए मैं मोटर को बैटरी के ऊपर इस तरीके से चिपका दूंगा, देखिए गाइज मोटर को मैं बैटरी के ऊपर इस तरीके से चिपका दूंगा ताकि अगर बाद में हम बोतल को पानी भरने के लिए खोलेंगे तो ईजिली से वो खुल जाएगी। तो देखिए गाइज यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से चिपका दिया है, आप भी इसी तरीके से चिपका सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, बोतल को लेना है और हम इसमें पानी भर के इसको अच्छे से इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए गाइज मैं एक बार आपको और चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें इसे अच्छे से लगा दिया है, अब हम बटन को प्रेस करेंगे। तो गाइज देखिए बटन को प्रेस करते हैं और चेक करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो देखिए गाइस ये बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, आप बोतल को देख पा रहे होंगे ये थोड़ा सिकुड़ता सा जा रहा है क्योंकि ये एयर इसमें से निकल नहीं पा रही है, इसलिए ये बोतल सिकुड़ रही है। आप इसमें पानी डालेंगे और ये फिर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वर्क करेगा। आप नीचे देख सकते हैं, देखिए एक पानी का वो छोटा सा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि मैंने इसे टेस्ट करा था तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। तो देखिए गाइस ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।